अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो दोस्तों, ये रहा हमारा फर्स्ट व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं शिकार को। तो फ्रेंड्स, शिकार की फुल जो को शौक से तैयारी जा रही है। मसूद भाई गाड़ी को स्टार्ट करने लगे हैं, मामू भी आ गए हैं, सब बैठ चुके हैं, हम भी बैठने लगे हैं अभी। तो अभी बस हम सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। मसूद भाई ड्राइविंग कर रहे हैं। तो फाइनली हम डेरे पे पहुंचने वाले। डेरे पर पहुंचने साथ ही अतीक ने माखोल के साथ वीडियो बन। ये माखोल का जो मुंह नजर आ रहा है, ये हमने शिकार किया था गिलगित बल्तिस्तान से, और फिर 1 लाख के अंदर हमने इसे तैयार करवाया, जो कि हमने आके अपने डेरे के अंदर मुनसिब किया। तो इस डेरे के ऊपर हमने शिकार के लिए हर कुछ चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो रखी हुई। ये जो डाग आपको नजर आ रहा है, ये आम डाग नहीं, ये वो डाग है जो हम शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस डाग की खासियत यह है कि ये अपने नाक के जरिए स्मेल करके बताता है कि आपका शिकार यहाँ पे मौजूद है, उसकी डायरेक्शन बताता है, फिर उसके बाद शिकारी जाके वहाँ से शिकार पकड़ लेता है। तो आप इसमें डिस्कशन की जा रही है कि कौन से पॉइंट पे हमने पहुँचने हैं। अभी मसूद भाई को चाचू बता रहे हैं कि उस जगह पर शिकार बहुत ज़्यादा है, दूर से भी नज़र आ रहे हैं, कुछ परिंदे वहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं। मसूद भाई ने गन उठाई है, अभी रवाना होने जा रहे हैं शिकार की तरफ। तो फाइनली शिकार पर हम रवाना हो गए अपने डेरे की तरफ से। तो फाइनली हम रवाना हो चुके शिकार की तरफ। अब चाहे शिकार मिले या ना मिले, लेकिन हम ये जो खुले आसमान के नीचे खुली फिजा के अंदर जो सांसें ले रहे हैं और माहौल का मज़ा उठा रहे हैं, इसका मज़ा ही अलग है। आज डे बहुत ही एडवेंचरस गुजर रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। साइड पे देख रहे हैं आप, ये इस तरह के खुले मैदान के अंदर पुरसकून फिजा में जीप ड्राइव करने का तो मज़ा ही अलग है। बहुत ही नेचुरल महसूस हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये रही वो फैक्टर हैं जो हमने हंट किए। तो दोस्तों, ये पॉइंट मिस नहीं करना। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक ही बुलेट फायर करने से 3 परिंदे शिकार किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, वो देखें तार के ऊपर बैठे हुए थे, हमने तीनों एक ही फायर से शिकार कर लिया। ये जो आपको सब्ज लहलाते खेत नज़र आ रहे हैं, ये हैं गंदम के खेत। अभी 3-4 महीने की गंदम तैयार हुई है इस। तो फाइनली दोस्तों, हमारा व्लॉग एंड होने जा रहा है। आज का डे बहुत ही एडवेंचरस गुजर है, बहुत ही मज़ा है। आज का डे बहुत ही जॉयफुल गुजर गया है। हमारे इलाके में अगर परिंदा भी उड़ता है तो हमारी इजाज़त से, और जो बगैर इजाज़त को उड़ता है वो मारा जाता है। तेरा डोगर दले नड्डी है नी मेरे घर सामने, कथे तेरा डोगर दले नड्डी है नी। हाउ सर्दी है दुनिया यारां दी चरतो, रुकिया ना रुकदा है वहम कर दो, मैं खतबड़े दबाने वाली गल शर्तो, रख देंदा फट के गब्बर ठोंकल तो पलाइट बोली कर रखे संतरी।